हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना इवनिंग का रूटीन। ये है एक इवनिंग का व्लॉग जिससे मैंने शुरू किया अभी शाम के 6 बजे। शौर्य सो के उठ गया है बट वो अभी रूम में है एंड धीरे धीरे उसकी रिकवरी हो रही है, तो मैंने सोचा चलिए वो भी नॉर्मल हो रहा है तो मैं भी नॉर्मल होकर अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाती हूँ एंड आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग करने की मुझे भी काफ़ी आदत हो गई है। तो मैंने इतने दिन व्लॉगिंग नहीं की तो मुझे भी काफ़ी अजीब सा लग रहा था, तो आज मुझे लगा कि चलिए आज मौका है तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ और अपना रूटीन भी शेयर करती हूँ। एंड काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पे फ्रेंड्स हैं वो सब बहुत खुश हुए अभी लास्ट वीडियो देख के, जिसमें शौर्य उन्हें एक्टिव दिख रहा था, अपनी बहनों के साथ खेल रहा था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने रियली बहुत ही सपोर्ट किया है मेरे को इस टाइम में एंड बहुत कंसर्न दिखाया है शौर्य के लिए, तो थैंक यू सो मच। एंड शौर्य अब काफ़ी बेटर है बट अभी मतलब पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है, बिकॉज अभी उसको स्टिचेस लगे हुए हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बट टाइम टू टाइम मेडिसिन चल रही एंड जो स्टिचेस हैं उस पर भी मुझे क्रीम वगैरह लगानी होती है तो वो सब भी मैं करके रखती हूँ। अभी वो अंदर थोड़ी सी चिड़चिड़ कर रहा है तो मैं उससे देख करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज इवनिंग में क्या क्या बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, इवनिंग में जो मैंने सबसे पहला काम किया है वो मैंने बनाया है कस्टर्ड। ये अभी ठंडा हो रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिक हो गई है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मीन्स बहुत सारे, ये देखिए ग्रेप्स एंड ये बनाना, ये एप्पल और इसमें है अनार, और अभी ये सब की एक एक पॉलीथिन ऑलरेडी मेरे फ्रिज में पड़ी है, तो इतने सारे फ्रूट्स को कैसे खाएं, इस वजह से मैंने सोचा लाओ फ्रूट क्रीम या कस्टर्ड बना लेती हूँ। क्रीम मेरे पास नहीं थी तो मैंने इस वजह से कस्टर्ड बना लिया है, तो अभी बस मुझे इन फ्रूट्स की चॉपिंग करनी है। इतने सारे फ्रूट्स इसलिए आए हैं क्योंकि शौर्य की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जो भी मिलने आता था वो फ्रूट्स ही लेके आता है एंड शौर्य सिर्फ एप्पल के अलावा कोई फ्रूट नहीं खा रहा है, तो इन चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने सोचा फ्रूट क्रीम बन जाएगी हेल्दियर ऑप्शन, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इनकी चॉपिंग कर लूँगी। हाय बोलो। हाय। हाँ, पिंक कलर। सो फ्रेंड्स, मैं अभी किचन में थी। हाँ बताओ। येलो। यस, शौर्य अपना पूरा रिवीजन, पढ़ाई सब उनकी चल रही। हाँ पिंक। हाँ येलो। मम्मा बात कर लो। मैं कोशिश करती हूँ शौर्य ज़्यादा से ज़्यादा बेड पे रहे, क्योंकि वो ज़्यादा उधम करेगा तो उसे लगने का रिस्क रहेगा। मैं किचन में थी, मैंने कहा लाओ थोड़ी फ्रूट्स की चॉपिंग कर लेते हैं, बट शौर्य इतनी चिड़चिड़ कर रहा है वो मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो मैं वापस आ गई। फिर ये थोड़ा शांत हुआ तो मैंने कहा चलो थोड़ी डिनर की तैयारी कर लेते हैं। लौकी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा कोफ्ते बना लेती हूँ, तो मैं उसको मतलब कटिंग थोड़ा बहुत जो कट करके आई हूँ एंड पील करके आई हूँ, बस ग्रेड ही करने वाली थी, फिर से ये चिड़चिड़ाने लगा। इसको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, कहता है कि हर समय मेरे साथ रहो, तो जब ये इधर उधर होता है तभी मैं कोशिश करती हूँ खाना बनाने की एंड अब तो मुझे नहीं लगता मैं अभी बना पाऊँगी कुछ। तो 6:30 बज रहे हैं तो इनके पापा आ जाएंगे 7:15 तक, जहाँ तक कि मोस्ट प्रॉब्ली, तो तभी मैं अपना जो भी है तभी करूँगी, और अभी तो मैं शौर्य के साथ खेलूँगी। वो भी खेल रहा है, वो ब्लॉक से खेल रहा है। कहाँ गए सारे ब्लॉक्स? तो इसी तरह से आज का मेरा रूटीन चल रहा है एंड एज यू ऑल नो मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं एंड 31 मार्च था अभी लास्ट डे, लास्ट टू लास्ट डे, तो इस वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो वो काफ़ी लेट आ रहे थे ऑफिस से, उधर शौर्य इतना चिड़चिड़ा हो रहा था, तो काफ़ी हार्ड टाइम गया मेरे लिए, बट अब शौर्य ठीक हो गया है। बस अभी भी ये इनको सुसू आती है तभी मुझे बहुत परेशान करते हैं, वैसे ये ठीक रहते हैं, थोड़ी इनिशियल इचिंग होती है उस वजह से ये काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है। अभी भी ये सो के उठ के इसने टॉयलेट नहीं की है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ ये जल्दी से कर ले तो ये कंफर्टेबल हो जाएगा। ये कोफ्तों के लिए मैंने लौकी ग्रेट कर ली है एंड इसमें थोड़ा सा नमक डाल के छोड़ दिया है सो दैट इसमें से सारा पानी छूट जाएगा, उसके बाद मैं पानी को ड्रेन करके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करूँगी। कोफ्ते मेरे फ्राई हो गए हैं एंड थोड़े ये गैस पे पड़े हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं कि हम दो ही जने हैं खाने वाले, और इन्हें काफ़ी धीमी आँच पर ही सेकना होता है, तो बस ये सिक रहे हैं एंड फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी डिनर बना के। कोफ्तों की जो रेसिपी है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं अपनी एंड स्क्रीन में लगा दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, बाई चांस मिस हो जाता है तो आप मेरे फूड वाले प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मैं पूरी डिटेल में अभी आपको नहीं दिखाऊँगी। एंड ऐसे ही कस्टर्ड की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसको भी मैं एंड स्क्रीन में डाल दूँगी। अब मैं कोफ्ते छोंकना स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने डाला है 1 टीस्पून जीरा एंड इसके बाद मैं डालूँगी प्याज लहसुन का पेस्ट एंड बाकी
जो रेसिपी है वो आप डिटेल में देख लीजिएगा मेरे सेपरेट वीडियो में। लास्टली मेरी ग्रेवी बस मैं थोड़ी थिक कर रही हूँ एंड कोफ्ते बन के तैयार है। बस आटा गूंदना है मुझे एंड अभी मुझे फ्रूट्स की चॉपिंग करनी है। मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो मैं जल्दी से कर लूँगी उसे भी एंड लास्टली इसे गार्निश करूँगी धनिया से। अभी इसकी ग्रेवी काफ़ी पतली है तो थोड़ी देर बॉईल पे ठीक हो जाएगी। ये मेरा कस्टर्ड काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है बट मैं इसमें फ्रूट्स डाल के ही इसे चिल करूँगी। मैंने अपने डिनर के लिए आटा गूंद के रख लिया है ये सारे फ्रूट्स। ये हाफ़ मेरा अभी मैंने शौर्य को कट करके दिया था तो ये हाफ़ बचा हुआ एप्पल रखा है तो मैं पहले इसी को कट करूँगी। अगर और चाहिए होगा तो मैं और कट कर लूँगी। बाकी ये सब फ्रूट्स भी कट कर लेती हूँ। फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार है। मैंने सबसे ऊपर इस पे अनार के थोड़े दाने और डाले हैं, ये अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए चिल करने रख दूंगी एंड उसके बाद डिनर के बाद हम इसे खाएंगे। सो फ्रेंड्स मैं अपना डिनर बना के फ्री हो चुकी हूँ। कोफ्ते बन गए, आटा गूंद लिया है, स्वीट डिश के लिए कस्टर्ड बन के तैयार है। सो बस मुझे गर्मा गर्म फुलके सेकने हैं। अभी मेरे हस्बैंड नहीं खा रहे हैं, वो अभी टीवी में मूवी देखने में लगे। एवरीडे वो लेट ऑफिस से आएंगे उसके बाद कोई एक्शन मूवी लगा लेते हैं। यूटीवी एक्शन पे कौन सी मूवी देखते हैं, मैं भी सोचती हूँ देख लो। मतलब फुल डे तो मैं ही अपनी मन की देखती हूँ तो इस वजह से वो अब जब शाम को आते हैं तो फिर वो अपने मन का देखते हैं। एंड मुझे इवनिंग में कोई खास मेरा ऐसा कोई सीरियल नहीं, मुझे क्राइम पेट्रोल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरे को क्राइम पेट्रोल दिखवा लो तो मैं 11:30 बजे अपना क्राइम पेट्रोल देखती हूँ एवरी डे। मुझे वो इट्स लाइक अ रूटीन टू मी, मुझे क्राइम पेट्रोल देखना हैबिट है। वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग इसी वजह से इतना चलता है क्योंकि तुम इतना क्राइम पेट्रोल जो रटती हो। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है क्राइम पेट्रोल एंड स्पेशली द सतर्क वन, तो मैं क्राइम पेट्रोल बहुत देखती हूँ। सो बस अब मैं फ्री हो गई हूँ, बस रोटियाँ सेकनी है मुझे एंड शौर्य अपने पापा के साथ ही उन्हीं के साथ भिड़ा हुआ है। तो अब इवनिंग में जो भी था मैंने अभी आपको शेयर कर दिया है। जब मैं डिनर खाऊँगी तब आपसे फिर से मिलती हूँ। थाली तैयार है, मैं अपने हस्बैंड को सर्व करके फिर अपने लिए भी खाना लगा लूंगी। शौर्य खाना। लास्टली
मैंने सर्व कर लिया है हमारे लिए कस्टर्ड। मैंने भी डिनर कर लिया, उसकी क्लिप में शेयर नहीं कर पाई क्योंकि शौर्य मेरा फ़ोन लिए बैठा था। सो बस अब स्वीडिश में हम खाएंगे कस्टर्ड। ये बहुत चिल नहीं बट नॉर्मल हो गया है। सो फ्रेंड्स, अब मेरा डिनर रूटीन ये इस तरह से एंड हो चुका है। हमने स्वीडिश में अपने लिए खा लिया है कस्टर्ड, एंड कस्टर्ड काफ़ी अच्छा बना था। मीन्स मैंने उसकी जो कंसिस्टेंसी थी ना, वो ज़्यादा गाढ़ा था ना पतला था, तो परफेक्ट बना था। और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर एंड स्क्रीन्स में लगा दूंगी। एंड बाई चांस मिस हो जाए तो प्लीज़ मेरे फूड वाले प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ। आज मैंने बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग करी है। सो अभी मैंने अपने कस्टर्ड को अच्छे से चिल करने रख दिया है। वो जितना चिल्ड होगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है उसमें से। एंड थोड़े फ्रूट्स कम थे तो मैंने उसमें एक बनाना कट करके और डाल दिया है। तो ये था मेरा आज का सिंपल सा डिनर रूटीन, लौकी के कोफ्ते विद द स्वीडिश कस्टर्ड। एंड अभी जो मेरा काम रहता है वो रहता है शौर्य के लिए दूध उबालना नाइट के लिए, एंड उससे भी बड़ा जो काम है वो है उसे दवाई खिलाना। मीन्स दवाई खिलाना मुझे बहुत, मतलब बहुत परेशान कर देता है। जब हम दो जने होते हैं तो एक पकड़ता है एक खिलाता है, और अभी मैं जब मेरे हस्बैंड ऑब्वियसली ऑफिस जा रहे हैं तो अकेले ही मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो मैं बहुत मुश्किलों से इसे इधर उधर दबा के जैसे तैसे दवाई पिलाती हूँ। तो बस अभी मैं उसकी टैबलेट घोलने को रख करके आई हूँ, एंड जैसे ही वो घुल जाएगी मैं उसे टैबलेट और सीरप देना है, क्योंकि जो उसके टाँके लगे हैं उन्हें सुखाने के लिए हमें उसको रेगुलर दवाई देनी है। एंड एक वीक की मेडिसिन दी थी, कल या परसों हम उसको दिखाने जाएंगे तो होपफुली वो दवाई भी कम कर देंगे। एंड उसके बाद मैं उसे जो है हीमोग्लोबिन बढ़ाने की जो मेडिसिन दी है उसको स्टार्ट कर दूंगी। वो मैंने अभी स्टार्ट की थी बट शौर्य बहुत ड्रामे कर रहा है दवाई पीने में, तो मैंने अभी उसे ब्रेक दे दिया है, या एक दो दिन बाद मैं फिर से उसे स्टार्ट कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में। होपफुली मैं रेगुलर रहूँगी। शौर्य रिकवर कर ही रहा है, मैं उसका भी ध्यान रख रही हूँ और आप लोगों से भी कनेक्टेड रहूँगी। तो बाई चांस मेरे व्लॉग्स रेगुलर ना आए तो बट कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा। मेरे पुराने फूड की रेसिपीज़ या पुराने व्लॉग्स देखिएगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हुए हैं। तो जब आपको मेरा वीडियो देखने का मन करे तो किसी ना किसी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, ठीक है। सो अब मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।